अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट थ्रिल व्यूअर्स, आज हम वेस्ट इंडीज के साबिक ग्रेट खिलाड़ी सर क्लाइड वॉलकॉट के बारे में बात करेंगे। खेल की मारूफ ताकोन 3W में से एक इस खिलाड़ी ने जंगे अजीम दोएम के बाद वेस्ट इंडीज टीम को मुस्तहिक करने में मरकजी किरदार अंजाम दिया और अपनी बैटिंग के अलावा विकेट कीपिंग की सलाहियतों के बायस आलमी सतह पर नाम बनाया। बारबाडोस के एक अस्पताल में 80 साल खिलाड़ी ने अपनी आखिरी सांसें ली और ना सिर्फ बारबाडोस बल्कि वेस्ट इंडीज को ही नहीं आलमी क्रिकेट भी एक आला खिलाड़ी और एक आला सफीर से मरहूम हो गई, जिसने सर फ्रैंक वर्रेल और वैक्स के साथ मिलकर बारह अपनी टीम को ना सिर्फ मुश्किलात से निकाला बल्कि फतूहात का रास्ता भी दिखाया। वॉलकॉट को अगर विवन रिचर्ड्स का हकीकी अक्स कहा जाए तो गलत ना होगा, जो इनिंग की इब्तदा से ही मद मुकाबल बॉलर्स पर हमदा ओवर होने पर यकीन रखते थे और 12 साल बैन अलावामी कैरियर में उन्होंने इस बात को कई मरतबा कामयाबी के साथ साबित भी किया और निसफ सेंचुरियों को सेंचुरियों में तब्दील करने के हवाले से वो दर्जा बंदी में डॉन ब्रेडमैन और अजरुद्दीन के बाद तीसरे नंबर पर देखे जा सकते थे। पिछले कदम पर भरपूर कुव्वत के साथ कातिलाना स्ट्रोक प्ले के मालिक वॉलकॉट के लिए ये भी कहा जाता है कि 6 फुट और 2 इंच की कदोकामत के साथ इनका बाकमाल स्ट्रोक खेलना एक खास बात थी, जिसके बारे में खुद सर वॉलकॉट ने एक गुफ्तगू के दौरान वाजिया किया कि ये मेरा खेलने का स्टाइल था और मैं नहीं समझता इसमें मेरी कदोकामत का कोई भी अमल दखल था, क्योंकि मैं तो इसी तरह खेलने का आदि था। मैं बैक फुट पर खासा मजबूत था, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मैं अगले कदम पर शॉट नहीं खेल सकता था, क्योंकि इसका तमाम दारोमदार मध्य मुकाबल बॉलर्स और पिच पर होता था। वो 1945-46 में इस वक्त नुमाया हुए जब अपने स्कूल के जमाने के साथी फ्रैंक वरल के साथ मिलकर उन्होंने बारबाडोस के लिए चौथी विकेट पर 574 नॉट आउट रन्स की शराकत कायम कर डाली, जो कि वेस्ट इंडीज की जानिब से किसी फर्स्ट क्लास मैच में आज भी सबसे बड़ी शराकत है, जिसके दौरान वॉलकॉट ने पोर्ट ऑफ स्पेन पर ट्रिनिडाड के खिलाफ 314 नॉट आउट रन स्कोर किए थे। इस सीजन के 2 फर्स्ट क्लास मैचेस में उन्होंने 132.33 की एवरेज से 397 रन स्कोर करने के साथ 7 शिकार भी किए थे और 1941-42 में शुरू होने वाले फर्स्ट क्लास कैरियर में इस वक्त तक इनके खाते में 2 सेंचुरियां मजीद शामिल थी, जो कि उन्होंने 1944-45 में बनाई थी और 49.71 की औसत से 4 मैचों में 348 रन भी बनाए थे। यहां इस बात का तذکرہ भी करते चलें कि क्लाइड के भाई कीथ वॉलकॉट भी 1940 से लेकर 1951-52 तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैदान में रहे, मगर वो सिर्फ महज 15 मैचों में ही शिरकत कर सके। दाएं हाथ के बैट्समैन और विकेट कीपर ने, जो कि दाएं हाथ से फास्ट मीडियम बॉलिंग भी कर सकता था, डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी एक पहचान बना ली थी। यही वजह है कि जब 1947-48 में इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिजटाउन टेस्ट में 7 खिलाड़ियों को बैक वक टेस्ट कैप से नवाजा गया तो इसमें 21 साल वॉलकॉट के अलावा एवर्टन वैक्स भी शामिल थे। स्टॉलमेयर के साथ इनिंग का आगाज करने वाले खिलाड़ी ने अव्वलीन आजमाइश में 8 और 16 रन स्कोर किए और 3 शिकार करने के बाद अगले टेस्ट मैच में 4 खिलाड़ी भी शिकार किए और 20 रन की इनिंग खेली। इस टेस्ट में फ्रैंक वरल की आमद के बाद वेस्ट इंडीज की बैटिंग में मारूफ ताकोन 3W की तश्कील हो चुकी थी। जॉर्ज टाउन में 11 और 31 नॉट आउट रन करने के बाद उन्होंने 2 शिकार भी किए। वॉलकॉट ने किंगस्टन में 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 45 रन की कैरियर बेस्ट इनिंग खेली और 3 स्टंप समेत मैच में 7 शिकार भी कर डाले और सीरीज में 133 रन इन्हें बहुत ही कामयाब तो नहीं बता रहे थे, लेकिन एक विकेट कीपर के तौर पर उन्होंने 16 शिकार भी किए जिनमें 11 कैचेस और 5 स्टंप शामिल थे। इन्हें अगले सीजन में भारत के दौरे पर ले जाने में मावन साबित हुए और यही वो सीरीज थी जिसमें वॉलकॉट एक पावरफुल बैट्समैन के तौर पर भी उभरे और उन्होंने ये अपना तासुर अपने पूरे कैरियर में कायम रखा, यानी 1948-49 की ये सीरीज इनके कैरियर का अहम मोड़ साबित हुई। दिल्ली में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट इस मैदान पर भी अव्वलीन मारका था,
जबकि ये दोनों ममालिक के माबीन पहली पंजा आजमाई के अलावा भारतीय सरजमीन पर 1933-34 के बाद खेला गया पहला टेस्ट मैच भी था। वॉलकॉट ने 3/27 की मुश्किल सूरत हाल में गैरी गॉम्स के साथ डबल सेंचुरी शराकत का अहतमाम किया और इस इनिंग में बनने वाली चार में से एक सेंचुरी के मालिक खुद भी बन बैठे। उन्होंने नहायत ही दिलकश 152 रन करने के बाद 3 शिकार भी किए और बम्बई में 68 रन करने के बाद कलकत्ता में भी 54 रन की एक खूबसूरत इनिंग खेली और छठे नंबर पर 108 रन बना डाले। हालांकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और इनकी जगह क्रिस्टियानी को विकेट कीपिंग के फ़राइज़ संभालना पड़े थे। अगरचे के मद्रास और बम्बई में वो कोई ख़ास कारनामा ना दिखा सके, मगर दो सेंचुरियों समेत 64.57 की एवरेज से 452 रन बना डाले और विकेटों के पीछे 11 शिकार इनकी उम्दा कारकर्दगी को वाजिया कर रहे थे। इस पूरे दौरे पर 12 मैचों में वॉलकॉट ने 4 सेंचुरियों और 6 निसफ सेंचुरियों की मदद से 1144 रन 71.50 की औसत से बनाए और 3 स्टंप्स समेत 20 शिकार भी किए। इसी सीजन में पाकिस्तान के खिलाफ एक गैर सरकारी टेस्ट में 41 रन की इनिंग खेलने वाले वॉलकॉट ने श्रीलंका में भी 125 रन की यादगार इनिंग के सहारे 179 रन स्कोर करने के साथ 7 शिकार भी किए और वाजिया कर दिया कि खुद को इनकी टीम में विकेट कीपर के तौर पर एक नुमाया मकाम हासिल हो गया, जो कि एक नहायत मौसर बैट्समैन भी थे। 1949 और 50 के डोमेस्टिक सीजन में वॉलकॉट ने 211 रन की एक उम्दा इनिंग तख्लीक की, जो कि इंग्लैंड के दौरे पर जाने के लिए इनकी एक बेहतरीन तैयारी थी। 1950 में इंग्लैंड का दौरा मैनचेस्टर टेस्ट में वॉलकॉट को नुमाया तो नहीं कर सका, मगर लॉर्ड्स में उन्होंने मुखालिफ बॉलर्स को सजा देते हुए 168 रन की खूबसूरत इनिंग खेल डाली और गैरी गॉम्स के साथ 211 रन की शराकत भी कायम कर डाली और वेस्ट इंडीज़ को इंग्लैंड में पहली फतह हासिल हुई। हालांकि इसमें स्पिनर्स की जोड़ी अल्फ वैलेंटाइन और सुनी रामाधन का भी अहम करदार था, मगर इस दौरे पर वॉलकॉट को इसके बाद कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी। अलबत्ता उन्होंने 25 फर्स्ट क्लास मैचों में 55.80 की औसत से 7 सेंचुरियों समेत 1674 रन स्कोर किए, जिसमें 168 रन नॉट आउट की इनिंग इनकी बेहतरीन काविश थी, जबकि विकेटों के पीछे उन्होंने 18 स्टंप और 48 शिकार भी किए। वतन वापस लौट कर 209 की एक उम्दा बारी समेत 102.25 की औसत से 409 रन करने वाले वॉलकॉट ने 1951-52 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर लैंडवाल और मिलक के शॉक अटैक के खिलाफ संभलने में कुछ वक्त लिया और इब्तदाई दो टेस्ट मैचों में सिडनी पर 60 रन की काबिल जिक्र इनिंग खेली, जिसके बाद वॉलकॉट को ड्रॉप कर दिया गया, जो एक मरतबा फिर सिडनी में टीम का हिस्सा बने, मगर वो सिर्फ यहाँ 1/12 रन ही कर सके। वाजिया तौर पर यह बात महसूस की जा रही थी कि हालात वॉलकॉट के हक में नहीं हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम न्यूजीलैंड पहुंची तो उन्होंने क्राइस्टचर्च में 65 और 19 रन करने के बाद ऑकलैंड में खूबसूरत 115 रन की इनिंग्स खेलकर अपना वकार बहाल किया और फ्रैंक वर्वल के साथ 199 रन की रफाकत का अहतमाम भी किया और इस दौरे में भी 3 फर्स्ट क्लास मैचेस में 86.75 की औसत से 387 रन बनाने के अलावा विकेटों के पीछे भी उन्होंने भरपूर कारकर्दगी का फ्राइज अंजाम दिए। मगर ये एक खुली हकीकत थी कि 10 के लगभग टेस्ट मैचों में वॉलकॉट बहुत कम रन निकाल सके थे, मगर भारत जिसके खिलाफ बहुत सारे बैट्समैनों की फॉर्म वापस आ जाती है, वॉलकॉट को भी एक ब्रेक मिल गया, जिन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन में एक नहायत ही मुश्किल सूरत हाल में 47 रन स्कोर किए, मगर वैक्स के साथ 101 रन की शराकत भी ने टीम को काफ़ी हद तक संभाल दिया। बारबाडोस टेस्ट में उन्होंने 98
और 34 रन्स की इनिंग्स खेली, जबकि पोर्ट ऑफ स्पेन में 30 रन्स करने वाले बैट्समैन ने जॉर्ज टाउन में 125 जबकि किंगस्टन में 118 रन स्कोर किए। ये पहला मौका था जब तीनों डब्ल्यूज ने एक इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की थीं। भारत के खिलाफ 457 रन स्कोर करने वाले क्लाइड वॉलकॉट ने सीजन में 72.57 की औसत से 508 रन बनाए और 1953 में इंग्लैंड जाकर एक और फर्स्ट क्लास सेंचुरी का भी इजाफा किया, मगर 1953-54 में जब बरतानवी टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पे आई तो उन्होंने अपनी हुक्मरानी पूरी तरह वाजा कर दी, जिसका वाजिया सबूत 3 सेंचुरियों समेत 87.25 की औसत से स्कोर किए गए 698 रन थे। उन्होंने इंग्लिश टीम का इस्तकबाल बारबाडोस में 220 रन की कैरियर बेस्ट इनिंग से किया और 6.5 घंटे को मुश्तमिल इस इनिंग में वाहिद टेस्ट डबल सेंचुरी भी बना डाली, जबकि पोर्ट ऑफ स्पेन पर भी नहायत खूबसूरत 124 और 51 नॉट आउट रन का हिस्सा डाला। और पहली इनिंग में 3 डब्ल्यूज की सेंचुरियों की बदौलत वेस्ट इंडीज ने इसी मैदान पर ही नहीं इंग्लैंड के खिलाफ भी 681 रन का रिकॉर्ड मजमुआ खड़ा कर दिया। ये एक हैरान कुन अमर है कि किंगस्टन में वॉलकॉट के 50 और 116 रन के बावजूद वेस्ट इंडीज की टीम को शिकस्त का खुमियाजा भुगतना पड़ा, जिसकी असल वजह पहली इनिंग में 139 रन पर वेस्ट इंडीज का ढेर हो जाना था, मगर सीरीज के पहले टेस्ट में किंगस्टन पर 65 और 25 रन करने वाले इस मुफीद बैट्समैन ने, जो विकेट कीपिंग के फर्ज से भी छुटकारा पा चुका था, ये सीरीज 2-2 से बराबर करने में अपना करदार बखूबी निभाया। ऑस्ट्रेलवी टीम ने 1954-55 में वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर कदम रखा तो गुज़श्ता सीजन में 72.30 की औसत से 723 रन स्कोर करने वाले वॉलकॉट ने इनकी खूब दुर्गत बनाई। अगर ऑस्ट्रेलवी बॉलर संजीदगी का मुजाहरा करते तो मुमकिन है कि वो गुज़श्ता सीरीज की तरह इन्हें महदूद करने में कामयाब हो जाते, मगर इस मर्तबा इन्हें बहुत जल्द ये तस्लीम करना पड़ा कि वो वॉलकॉट को समझने में गलती कर चुके हैं। लिंडवाल, मिलर और रिची बैनो पर मुश्तमिल बॉलिंग अटैक के खिलाफ वॉलकॉट ने किंगस्टन में शिकस्त के बावजूद 108 और 39 रन की इनिंग खेली, जबकि पोर्ट ऑफ स्पेन की ट्रफ विकेट पर पहले मैच में 126 और 110 रन स्कोर करके मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियों का कारनामा अंजाम दिया और वो पहली इनिंग में एवर्टन बेक्स के साथ 242 रन की शराकत कायम करने के अलावा इस मैच में एक विकेट भी हासिल कर सके। जॉर्ज टाउन के टेस्ट मैच में उन्होंने 73 रन की इनिंग खेली, जबकि बारबाडोस में 83 रन के बाद किंगस्टन में उन्होंने नहायत दिलकश 155 और 110 रन स्कोर करके ना सिर्फ एक ही सीरीज में दूसरी मर्तबा दोनों इनिंग में सेंचुरियों का कारनामा अंजाम दिया, बल्कि एक सीरीज में 5 सेंचुरियों का एक नया रिकॉर्ड भी बना डाला, जो आज भी अपनी जगह पर है। इस सीरीज में उन्होंने 82.70 की औसत से 827 रन स्कोर किए, जो कि वेस्ट इंडीज की जानिब से एक सीरीज में सबसे बेहतर और आलमी क्रिकेट में चौथी बेहतरीन काविश थी। वेस्ट इंडीज के लिए अब सीरीज में मजमूई अतबार से वॉलकॉट का दूसरा नंबर है, क्योंकि 1976 में बेवरेजेस ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों में 829 रन स्कोर करके इन्हें इस रिकॉर्ड से मरहूम कर दिया था। सिर्फ 2 सीरीज में 1525 टेस्ट रन करने वाले वॉलकॉट इस फॉर्म को अगले मैचों तक ले जाने में नाकाम रहे और इनका कैरियर जो आसमान की बुलंदियों को छू रहा था अगले 3 से 4 वर्षों में सिमट कर रह गया, जिसके दौरान इन्हें मौके से भी मरहूम होना पड़ा। 15 टेस्ट मैचों तक कीपिंग करने वाले वॉलकॉट ने बाद में बॉलिंग के शोबे में भी खुद को आजमाया, हालांकि 1949 और 50 में 4 for 26 की कारकर्दगी समेत सीजन में 8 विकेटें लेकर अपनी अहलियत को वाजिया किया, जबकि 1953-54 में भी उन्होंने 4 for 42 की कारकर्दगी समेत 159 रन के इवज 8 विकेटें हासिल की थी।
1955 में न्यूजीलैंड के दौरे से मरहूमी के बाद उन्होंने 1957 में इंग्लैंड का दौरा किया तो वहां बर्मिंगम के पहले टेस्ट में 90 रन की इनिंग खेलने के बाद उन्हें लीड्स में खातिरख्वाह कामयाबी मिली, जहां उन्होंने 38 और 35 रन से अपनी मौजूदगी को साबित किया। मगर ओवल टेस्ट के पहले दिन के खात्मे पर इन्फ्लुएंस के बायस वॉर्डर्ड की जगह वालकट को क्यादत मिली तो 89 और 86 रन पर ढेर हो जाने वाली वेस्टइंडीज टीम को सीरीज में तीसरी शिकस्त का बोझ उठाना पड़ा। पहले टेस्ट में इंजरी के बाद ये टेस्ट सीरीज इन्हें एक ऐसी मशीन साबित करने के लिए काफ़ी थी जो कि अपना काम दुरुस्तगी से नहीं कर रही थी। हालांकि इस पूरे दौरे पर उन्होंने 3 सेंचुरियों की मदद से 1,414 रन 45.61 की एवरेज से बनाए, जबकि 28 कैचेस भी किए थे। 1954 और 55 में होम सीजन के दौरान 5 सेंचुरियों समेत 72.69 की एवरेज से 945 रन करने वाले वॉलकट ने इंग्लैंड से वापस आकर 1957 और 58 के सीजन में 82.80 की औसत से 414 रन स्कोर किए, जिसमें 145 रन की इनिंग्स नुमाया थी जो कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जॉर्ज टाउन टेस्ट में खेली थी और गैरी सोबर के साथ 269 रन की शराकत भी कायम कर डाली थी। ब्रिजटाउन टेस्ट में उन्होंने 43 रन की इनिंग खेली और किंगस्टन में उन्होंने 88 नॉट आउट रन के अलावा पोर्ट ऑफ स्पेन में खूबसूरत 147 रन बनाए और दूसरी इनिंग्स में 62 रन बनाने वाले क्लाइड वॉलकट ने 96.25 की एवरेज से 385 रन स्कोर करने के बाद अपनी उम्दा फॉर्म में वापसी का अंदिया दिया। मगर एक वक्त 12 मुसलसल टेस्ट मैचों में सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी को, जिसे 1951 से 1954 तक लंकाशायर लीग में खासी शोहरत हासिल रही थी, 1959 और 60 में इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलकर बैनल अक्वामी क्रिकेट से इनको दूर होना पड़ा और पोर्ट ऑफ स्पेन पर उन्होंने अपने आखिरी टेस्ट में 53 और 22 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में वार्टन बेक्स के कैरियर का भी खात्मा हुआ, जबकि 2 टेस्ट मैचों के बाद वॉलकट भी रुखसत हो गए तो 3 W's की रफाकत खत्म हो गई। मगर तीसरे W's वरेल 1963 तक टेस्ट क्रिकेट से वाबस्ता रहे। वॉलकट को 3,000 या इससे ज्यादा टेस्ट रन करने वाले खिलाड़ियों में औस के लिहाज से 10वां नंबर हासिल था, मगर वो दूसरे हम असर खिलाड़ियों खसूसन W's की तरह गुमनामी में नहीं रहे। उन्होंने खेल से अलीहदगी इख्तियार करने के बाद शेल शीट में शिरकत करने वाली बारबाडोस की टीम की कोचिंग संभाल ली, जबकि उन्होंने मैनेजर के तौर पर वेस्टइंडीज की आलमी कप में फतूहात का भी लुत्फ उठाया, जबकि आने वाले अरसे में इन्हें एक बड़ी इंतजामी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई और वो कौमी सेलेक्टर्स भी रहे, बल्कि वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड का सदर भी इन्हें बना दिया गया। उन्होंने बैनल अक्वामी क्रिकेट से अलीहदगी इख्तियार करने के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सिलसिला 1963 और 64 तक जारी रखा, लेकिन महदूद मौके के बायस इनकी दिलचस्पी का मेयार अब कम हो चुका था और इसकी झलक रिकॉर्ड के तौर पर वाजिया थी। आखिरी सीजन में वॉलकट ने 38.71 की औसत से 271 रन स्कोर किए, जिसमें 155 रन की इनिंग्स नुमाया थी, जबकि इसी दौरान उन्होंने 5/40 रन की कैरियर बेस्ट कारकर्दगी भी पेश की थी। ये कोई हादसाती बात नहीं है कि इनके दौरे सदारत में वेस्टइंडीज ने आलमी क्रिकेट पर अपनी हुक्मरानी साबित की और 70 के शुरू से लेकर 90 के इब्तदा तक वेस्टइंडीज का सुनहरी दौर रहा और क्लाइड वॉलकट की समझदारी से किए गए इकदामात के सबब 15 टेस्ट सीरीज जीती गईं। उन्होंने 1993 में अपने ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया। इनका बेटा माइकल वॉलकट अपने वालिद और चचा के नक्शे कदम पर चलते हुए 1974-75 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक पहुंचा, मगर इसने एक मैच के बाद फिर कभी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली और अपने आप को दूसरी दिलचस्पियों की तरफ मुतवज्जो कर लिया। इनकी बेशबहा खिदमात का सिला था कि वॉलकट को 1994 में सर का खिताब दिया गया।
हालांकि इन्हें 1992 में मैच रेफरी के तौर पर फ्राइज की इंजाम दही के बाद आईसीसी के सरबरा का ओहदा संभाले हुए भी एक बरस हुआ था। आईसीसी के चीफ के तौर पर 6 साल मुद्दत गुजारने के बाद उन्होंने खेल की खिदमात का सिलसिला जारी रखा और अपनी खराब सेहत के बावजूद बारबाडोस पर खेले जाने वाला वो मैच नहीं छोड़ा जिसे देखने वो खुद ना आए। वेस्टइंडीज टीम के साबिक मैनेजर रोडी पेस्टर के मुताबिक क्लाइड वॉलकॉट हकीकी मायनों में एक अजीम इंसान और मसाली शख्सियत थे जिन्होंने हर रूप में खेल को फायदा पहुंचाया और आखिरी सांस तक इस खेल से मुंसलिक रहे, जिसके बायस इन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। इनके बारे में बहुत सारे लोग अपने ख्यालात का इजहार करते रहे और करते रहेंगे, लेकिन माइकल होल्डिंग का तजिया बिल्कुल मुनफरद है, जिसका कहना है क्लाइड कभी इस बात का इंतजार नहीं करते थे कि कोई इनसे आकर अपनी परेशानी का हल दरियाफ्त करे, बल्कि वो किसी को मुश्किल में देखकर फौरन रابطہ करते और अपनी भरपूर मदद फराहम करने में जरा सा भी तातुल का शिकार ना होते। उन्होंने खिलाड़ी और मुंतजिम की हैसियत से वेस्टइंडीज क्रिकेट की भरपूर मदद की और वो कुछ किया जिसका कोई इंफरादी तौर पर तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। क्लाइड वॉलकॉट 26 अगस्त 2006 को इस दुनिया से कूच फरमा गए। सर क्लाइड वॉलकॉट ने मजमूई तौर पर 44 टेस्ट मैचेस में 3,798 रन बनाए, 220 इनका बेहतरीन स्कोर रहा और उनकी एवरेज 56.68 रही। उन्होंने 15 सेंचुरियां स्कोर की और 14 निसफ सेंचुरियां स्कोर की। इसके अलावा उन्होंने 53 कैचेस भी किए और 11 स्टंप भी किए और उन्होंने बाहैसियत बॉलर 11 विकेटें भी हासिल की, जिसमें इनकी बेहतरीन कारकर्दगी 3/50 रही। 164 तक रहा, 146 मैचेस में उन्होंने हिस्सा लिया और 11,820 रन बनाए, 314 नॉट आउट इनका बेहतरीन स्कोर रहा और इस सारे दौरान इनकी जो एवरेज थी वो 56.55 रही। 40 सेंचुरियां भी उन्होंने स्कोर की और 54 निसब सेंचुरियां बनाई। 174 कैचेस करने के साथ 33 स्टंप भी किए और उन्होंने 35 विकेटें भी 36.25 की एवरेज से हासिल की और 5/41 इनकी बेहतरीन इनिंग साबित हुई।